welcome back to my channel sjsvlogs और मैं हूँ आप लोगों के जुई चौधरी। आप लोग कैसे हो? आप लोग पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं इंडिया ट्रैवल कर रही हूँ और हाँ, ये ब्लॉग थोड़ा पोस्ट करने में मुझे लेट हो रहा है क्योंकि मैं इंडिया में रह के कुछ कर नहीं पाई थी, कुछ एडिट भी नहीं कर पाई थी, उधर काम में इतना ज़्यादा बिजी थी। तो आज से मैं वही इंडिया का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी जो जितना सारा मैंने आप लोगों को क्लिपिंग दिखा रही हूँ वो अभी मेरे ससुराल का होगा। तो मैं घर में आने के बाद ही यहाँ पे आके मैंने बहुत दिन बाद बहुत ज़ोर से बारिश देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने दिन बाद बारिश देख के मन भी खुश हो जाता है। तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया था मेरा वर्क। तो मैं अभी मेरे घर का गार्डन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि बहुत सारा फूलों का पेड़ है और आम का पेड़ और भी कुछ बहुत सारा पेड़ है कि मैं मैं जानती हूँ। और यहाँ पे सोनाया और मेरे जो और एक देवर का लड़का, मेरे बच्चे, दोनों बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। दोनों बच्चे जब एक साथ होते हैं तो उन लोगों को बहुत सारा खेलने के लिए चीज़ आ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ खेलें, बहुत एंजॉय करें। तो आप लोग देखते रहिए और मैं भी यहाँ जाने के बाद मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दिन बाद घर में आने के बाद इतना सारा प्यार और इतना अच्छा लग रहा है कि आई कैन एक्सप्लेन विद यू। तो आप लोग देख, तो ये देखिए हमारे लीची के प्यार पेड़ में कितना सारा लीची हुआ है। ये हम लोग इसे बंगाली में लीची को लीचू बोलते हैं और ये लीची बहुत ही मीठा है, मुझे तो बहुत पसंद है कि अभी कच्चा है, छोटे छोटे हैं और कुछ दिन बाद में और ज़्यादा पक जाएगा तो उस टाइम में हम लोग उसको तोड़ लेंगे। तो सुमित यहाँ पे वही गार्डन को घूम के देख रहे हैं और बच्चे लोग इधर उधर खेल रहे। देखिएगा मेरे घर में कितना सारा जगह भी है और इस साइड में हमारे गार्डन है और यहाँ पे है तुलसी का जो मंडप होता है, उधर हम लोग सुबह शाम दिया जलाते हैं। तो ये हमारे तुलसी का मंडप है, आप लोग देखते रहिए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पूजा पाठ चल रहे हैं और सुमित और उसके भाई मेरे देवर पूजा कर रहे हैं मेरे पिताजी का। आप लोगों को बता दो कि एक साल पहले मेरे हमारे ससुर जी हम लोगों को छोड़ के स्वर्गवास हुए थे, जो बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए। तो उसी चीज़ का एक साल पूरा होने के बाद हम लोग उनके लिए शांति के पूजा कर रहे और फ्रेंड्स ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करूँगी। अगर आप मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आते तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर न्यू न्यू व्यूअर्स को बोल रही हूँ, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आते तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।